जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ़ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग पहले डिटेल करंट अफेयर कवर करते हैं, साथ में इस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसी फॉर्मेट में हम लोग कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बनी है। डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जो प्रमुख सलाहकार बनी है वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बनी है। हम लोग थोड़ा टीबी के बारे में जान लेते हैं। टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो है जीवाणु से होता है। तो टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग होता है और यह विशेष रूप से जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। कई बार सीधे परीक्षा में पूछा है कि टीबी किसको प्रभावित करता है, किस अंग को, या आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है। इस रोग पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने जो है वर्ष 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जो है लागू किया है। वर्ष 1962 से जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी जो है टीबी समाप्त नहीं हुआ भारत से। भारत के राष््ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों SDG के निर्धारित वर्ष 2030 की अवधि से 5 वर्ष पूर्व देश ने जो टारगेट रखा है टीबी महामारी को समाप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो भारत ने वो 2025 तक रखा है। और SDG इंडेक्स में जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2030 है, 5 वर्ष पहले जो है भारत से टीबी समाप्त हो जाएगी 2025 तक। वर्ष 2024 चल रहा है, क्या आपको लगता है कि 2025 तक टीबी भारत में समाप्त हो जाएगी? क्योंकि कुछ आंकड़े अभी आए थे PIB में जहां पे बताया गया टीबी की मात्रा जो है वो भारत में बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है 2025 में समाप्त हो जाएगी? और प्रत्येक वर्ष जो है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को जो है मनाया जाता है। यह डे भी आप नोट कर लीजिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत ने जो टारगेट रखा है 2025 तक रखा है। इसके लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1962 में शुरू किया गया था। फेफड़े को यह प्रभावित करता है और जीवाणु जनित आपका रोग है। अगला जो टॉपिक है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024, यह जो है 2024 में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। और इसके लिए जो है भारतीय सेना की टुकड़ी यह थाईलैंड गई है। तो अर्थात यह जो अभ्यास है अभ्यास मैत्री 2024, इसका जो आयोजन है यह थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है 1 से 24 जुलाई 2024 तक। और यह थाईलैंड के टाक प्रांत है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। पिछला जो अभ्यास आयोजित किया गया था वह सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था, मेघालय की उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। तो अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन थाईलैंड में किया गया था और यह इसका 13वां संस्करण है। अगला जो टॉपिक है मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का इस्तेमाल शुरू करने वाला पहला देश आइवरी कोस्ट बना है। आइवरी कोस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित मलेरिया की वैक्सीन जो इन्होंने तैयार की है जिसका नाम R21 मैट्रिक्स एम रखा गया है, इसके इस्तेमाल को शुरू करने वाला जो पहला देश बना है यह आपका आइवरी कोस्ट बना है। नेक्स्ट टॉपिक, नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुटुंग को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता, नारीवादी और नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुटुंग जो ग्वाटेमाला की हैं, इन्हें जो है गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। और रिगोबेर्ता को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था वर्ष 1992 में, और 2024 में जो है इन्हें गांधी मंडेला अवार्ड 2020 जो है वह प्रदान किया गया है। गांधी मंडेला के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं।
यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है यह शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। पिछली बार यह अवार्ड वर्ष 2019 में जो दिया गया था यह तिब्बत के दलाई लामा को जो है दिया गया था। गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 और 2020 वाला जो 2024 में दिया गया है यह ग्वाटेमाला की रिगोबेर्ता को दिया गया है। कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। और यह टोटल जो संसाधन का अनुमान लगाया गया है यह 1600 टन लिथियम का अनुमान लगाया गया है। मांड्या और यादगिरी जिले जो कर्नाटक में स्थित है यहाँ पर लिथियम संसाधन की जो है खोज हुई है। लिथियम जो हमारे आवर सारणी है इसमें जो है तीसरा तत्व है और इसका जो प्रतीक है या लाई जो इसका प्रतीक है और यह सबसे हल्की धातु है, यह इसकी विशेषता है। यह तीसरा तत्व हमारे आवर सारणी का एलआई इसका जो है प्रतीक है और सबसे हल्की जो है धातु है। अगला जो टॉपिक है दिल्ली में 33वां मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया था। 5 से 7 जुलाई 2024 तक दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा 33वां मैंगो फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल में देश के जो है कई राज्यों से आम की बागवानी करने वाले किसान और संगठनों ने जो है भाग लिया था और इसमें जो है देश के पारंपरिक और दुर्लभ जो है आमों की लगभग 500 किस्मों को जो है प्रदर्शित किया गया है। तो दिल्ली में 33वां मैंगो फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 5 से 7 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो है जारी किया गया है। यह जो इंडेक्स है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और यह इस साल का जो इंडेक्स जारी किया गया है यह इसका जो है 4वां संस्करण जारी किया गया है। देश के लिए जो है समग्र SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। इससे पूर्व 2021 में जारी किया गया था, उस टाइम 66 था और 2018 में जो आपका 57 था। यह बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार को जो है उल्लेखनीय सुधार को जो है दिखाता है। यह जो सूचकांक होता है यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े संकेतकों का जो उपयोग करके 16 जो सतत विकास लक्ष्य SDG है उसके अंतर्गत राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का जो है आकलन करता है। इसमें जो है जलीय जीवों वाला जो 17वां जो होता है हमारा सतत विकास लक्ष्य उसको नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि हमारे टोटल जो है 9 राज्य तटीय हैं, बाकी सभी जो है आपके स्थल रुद्ध हैं, इसीलिए उसको नहीं 17वां जो है इंडेक्स नहीं शामिल किया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके जो है राष्ट्रीय प्रगति को जो है मापता है और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो आपका होता है वह आकांक्षी होता है 0 से 49, दूसरा आपका जो होता है 50 और 64 के बीच जो है परफॉर्मर होते हैं, फ्रंट रनर जो है यह 65 से 99 के मध्य होता है और अचीवर जो आपके 100 स्कोर होता है। टोटल जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। आकांक्षी को जो है 0 से 49, परफॉर्मर को 50 से 64, फ्रंट रनर को 65 से 99 के मध्य, अचीवर को 100 पे रखा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर में है, अपना उत्तर प्रदेश जो है इसका स्कोर 67 है और इसे जो है फ्रंट रनर में रखा गया है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तराखंड और केरल का जो स्कोर है वह 79 है और यह सभी राज्यों में जो है सर्वश्रेष्ठ है। यह दोनों राज्य जो आपके शीर्ष पर हैं, उत्तराखंड और केरल दोनों ही राज्य जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। दूसरे स्थान पर 78 स्कोर के साथ तमिलनाडु है, 77 स्कोर के साथ गोवा आपका तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में आपका बिहार का स्थान है जिसका जो स्कोर है वह 57 है, झारखंड का 62 है और नागालैंड का आपका 63 है। यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली जो है शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य थे और उत्तर प्रदेश का जो है स्कोर वह 67 है और यह फ्रंट रनर में है। परीक्षा में कभी कभी सीधे पूछता है कि उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आपका फ्रंट रनर को रखा गया है उत्तर प्रदेश को। अगला टॉपिक आपका है 97वें आसियान
विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी लाओस में हुई है। 21 से 27 जुलाई 2024 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 97 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है लाओस की राजधानी वियन तियाने में जो है आयोजित की गई है। बात कर लेते हैं हम लोग आसियान के बारे में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो है 10 सदस्य देश हैं, जिनमें आपका ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसमें जो है भारत इसका सदस्य नहीं है। टोटल 10 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आसियान विदेश मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी है यह लाओस में इसकी मेजबानी हुई है। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला मनाया गया है। हरेला देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व है, जिसे कर्क संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही जो है सावन 2024 की शुरुआत हो जाती है और इस दिन लोग जो है भगवान शिव और माता पार्वती की जो है पूजा करते हैं। तो उत्तराखंड में जो है लोक पर्व हरेला मनाया गया है। अजीत डोभाल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में जो है भारत का नेतृत्व किया है। चौथी बिम्स्टेक और बिम्स्टेक जो है यह बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है। सुरक्षा प्रमुखों की जो बैठक आयोजित की गई है यह 27 जुलाई 2024 को जो इसकी बैठक आयोजित की गई है। म्यांमार की राजधानी नैपिडियो में इसकी जो है बैठक आयोजित की गई है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने इसका नेतृत्व किया है। बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। बंगाल खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह एक क्षेत्रीय समूह के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके टोटल 7 सदस्य देश हैं, इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार, ये सभी जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसकी जो चौथी बैठक आयोजित की गई थी यह म्यांमार के नैपिडिया में इसकी चौथी बैठक आयोजित की गई थी। UPSC RO 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। UPSC RO 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप डेली क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी। डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी फीस आपकी 5,000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लियर नहीं मिलेगा इसमें। इसकी जो फीस रखेगी वो आपकी 3,500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2,500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है ये आपको 1,200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें आपका 20 फुल टेस्ट होगा, 10 GS होंगे जिनमें आपको 40% दिए जाएंगे, 7 में 10 आपके हिंदी होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60% दिए जाएंगे, 16 टेस्ट आपको सेक्शन दिए जाएंगे जिनमें 10 GS होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और सभी टेस्ट में जो है 50% होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5,000 जो है असंभावित सवाल आपके GS और हिंदी के कराए जाएंगे। RO करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी फीस आपकी 600 रुपये है। UPSC RO संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी आपके लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं ये हमारे दिए गए नंबर इसे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को लेकर जो है आपकी तैयारी। आइए इस रिलेटेड कुछ हम लोग MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बनी है। TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। देश से वर्ष 2025 तक TB महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है आपका सही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बनी है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। टीबी माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु कारण होता है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है कि देश से वर्ष 2025 तक जो है टीबी महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि विश्व क्षय रोग जो है वह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है बल्कि 24 मार्च को मनाया जाता है। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग अभ्यास मैत्री के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। यह भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया जाता है। 2024 में इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। अभ्यास मैत्री जो आयोजित किया जाता है यह भारत और थाईलैंड के मध्य जो है आयोजित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दूसरा
स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2024 में अभ्यास मैत्री जो आयोजित किया गया था यह थाईलैंड में आयोजित किया गया था, थाईलैंड में आयोजित किया गया था और यह इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। मेघालय के उमरोई में जो आयोजित किया गया था वह 2019 में आयोजित किया गया था, 2024 वाला संस्करण यह थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। यहाँ पर भी तीन स्टेटमेंट है। मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का इस्तेमाल शुरू करने वाला पहला देश जो बना है ये आइवरी कोस्ट बना है। रिगोबर्ता तुमको गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में 33वां मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का जो इस्तेमाल शुरू करने वाला पहला देश बना है ये आपका आइवरी कोस्ट बना है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, रिगोबर्ता मेंचू तुमको गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दिल्ली में 33वां मैंगो फेस्टिवल आयोजन जो है किया गया है, आयोजित किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 संदर्भ में चार स्टेटमेंट है। इस इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल और उत्तराखंड शामिल हैं। SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को जो है मापता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, इस इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है, यह बात सही है। SDG इंडिया इंडेक्स को जो है नीति आयोग जारी करता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है केरल और उत्तराखंड जो है शामिल हैं और इन दोनों का जो स्कोर है वो 79 है और यह जो है इसमें शीर्ष पर है। SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है क्योंकि इसे जो है 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। SDG इंडेक्स के आधार पर जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है, आकांक्षी, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही होगा जो बी ऑप्शन में दिया गया है। चौथा जो स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पर भी तीन स्टेटमेंट है। 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी लाओस ने की थी। हाल ही में उत्तराखंड में लोक पर हरेला मनाया गया है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार की राजधानी नैपिडिया में आयोजित की गई थी। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक दो तीन। पहला स्टेटमेंट ये आपका सही, 97वां आसियान विदेश मंत्रियों की जो बैठक की गई थी यह लाओस में इसकी बैठक हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लोक पर्व हरेला जो मनाया गया है यह आपका उत्तराखंड मनाया गया है। और चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो बैठक आयोजित की गई थी यह म्यांमार की राजधानी नैपिडिया में आयोजित की गई थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।